राहुल गांधी और अमित शाह के दौरे के बाद विंध्य की फिजा में भगवे और हाथ का असर क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी और अमित शाह के दौरे के बाद विंध्य की राजनीतिक फिजा में गर्माहट आ गई है। जहां राहुल गांधी ने राफेल से लेकर संगड़िया तक के मुद्दे उठाए, वहीं अमित शाह ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद विंध्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। रीवा दर्शन ने भी इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रज्जी जॉन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र शुक्ला से बातचीत की। आइए देखते हैं दोनों नेता क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने आपसे कहा था कि 4-5 साल के अंदर इस फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन मध्य प्रदेश लिख के दिखाएंगे, मगर उन्होंने आप सबसे झूठा वायदा किया। आपको कहा रोजगार मिलेगा और सच्चाई पता लगी 4-4.5 साल बाद कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी युवा को हिंदुस्तान में रोजगार नहीं दिया। आपका नाम क्या है? नितिन, आपने राफेल हवाई जहाज का नाम सुना है? नितिन, राफेल हवाई जहाज कहां बनता है? फ्रांस में बनता है। नितिन, आपको मालूम है कि यूपीए सरकार ने राफेल की कंपनी से एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया था। राफेल हवाई जहाज की कंपनी को कहा था कि अगर राफेल हवाई जहाज खरीदा जाएगा तो एचएएल बनाएगी और नितिन जैसे युवाओं को बेंगलोर में, बाकी प्रदेशों में रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया के परिश्रम से इस प्रकार का संगठन बना हुआ है जिसमें सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार मध्य प्रदेश वालों ने सरकार बनाने का काम कर दिया है, किया या नहीं किया है भाई? जरा जोर से बोले, किया है या नहीं किया है? मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ना है। सरकार बनाने का काम कई बार मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है, इस बार मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कांग्रेस को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देने के लिए लड़ना है। और मित्रों, जब ये चुनाव इतनी प्रचंड विजय के साथ हमें जीतना है, मैंने जैसे कहा कांग्रेस को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है, तो ये चुनाव नेताओं के आधार पर नहीं जीते जा सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नेताओं के आधार पर नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मेरे शक्ति केंद्र और बूथ के कार्यकर्ताओं के आधार पर। जब राहुल गांधी जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना हमारा शासन प्रशासन हमारे साथ था, ना हमारे संसाधन इतने मजबूत थे कि हम लोगों की भीड़ ढो के ला सके, ना प्रशासन हम लोगों की मदद कर रहा था। उसके बावजूद स्वप्रेरणा से पूरे रीवा जिले की जनता अपने आप जिस प्रकार से राहुल गांधी के कार्यक्रम में सड़कों पर उतरी और अपना प्रेम प्रदर्शित कांग्रेस पार्टी के प्रति और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति किया, वो देखने योग्य था। मीडिया ने भी देखा, जनता ने भी देखा, राहुल गांधी का व्यक्तित्व, राहुल गांधी जी का आकर्षण जो जनता के बीच में था वो किसी से छुपा नहीं था। पूरी सड़कें जनता से भरी हुई थी, चाहे वो रास्ते का कोई भी कोना रहा हो, चौराहा रहा हो, सिरमौर चौराहे की भीड़ आपने देखी थी, युवाओं में जोश देखा था आपने, महिलाओं में आत्मविश्वास और महिलाओं का जो राहुल गांधी के प्रति आकर्षण था वो आपने देखा। तो अमित शाह जी के दौरे से उसकी कहीं भी तुलना की नहीं जा सकती। अमित शाह का दौरा इतना बड़ा बनाया गया, शहर में ना करके उसको SF ग्राउंड में आयोजित किया गया। पहले वो कार्यकर्ता
भाजपा का सम्मेलन नाम दिया गया उसको, जिसको बाद में बदल के कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दे दिया गया, क्योंकि वहां पे मुश्किल से 2 से 2.5 हजार आदमी ऐसे इतने बड़े ग्राउंड में थे। उससे आपको पता चल सकता है कि भाजपा के अध्यक्ष के प्रति आकर्षण और कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रति जनता में जो आकर्षण है उसमें कितना बड़ा एक स्वाभाविक अंतर था। बिंद की धारा जो है उर्वर है, यहाँ का युवा हमेशा ही संघर्ष और विकास के साथ रहा है। कांग्रेस पार्टी को मैं मानता हूँ कि वह खानदानी गुटों का समूह है। परिस्थिति जन विधान 2013 की विधानसभा में कुछ कांग्रेस के विधायक जीत गए थे, पर तो संगठन कुछ नहीं है कांग्रेस का। संगठन उससे अच्छा बहुजन का है, इसीलिए हम कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मानते। अभी राहुल जी आए हुए थे, हम सब ने देखा है उन्हें रीवा नगर के अंदर सभा करने की हिम्मत नहीं हुई। जो युवा लाए गए थे, धोकर लाए गए थे, मऊ गंज हनमना से लेकर त्योथर तक के लोग आए, और आपने देखा कितना उपद्रव हुआ, खाना नहीं पाए, भूखे प्यासे मरते रहे, गाली देते रहे। परंतु हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, हमारा एक निश्चित प्रोग्राम के तहत आए थे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे, हमने कोई सभा नहीं की थी। अब 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रीवा आ रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा लेकर, हमारी सभाएं होंगी, फिर देखिएगा और तुलना करिएगा कांग्रेस कहाँ है और हम कहाँ हैं। हम कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मानते हैं। आज आप चले जाएं कांग्रेस के कार्यालय में, चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुला होगा। और हमारे कार्यालय में चले जाइए, हमारी तैयारियाँ देख लीजिए, इससे ही आकलन हो सकता है कि जमीन पर और यथार्थ पर कांग्रेस और भाजपा में कितना बड़ा अंतर है। हम संगठनात्मक दल हैं और वो गुटी और परिवारी सामंतवादी लोग हैं।